Assalamualaikum, क्लास टू सब्जेक्ट GS, यूनिट नंबर 16, इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी इन एवरीडे लाइफ्स मींस वो बिजली जो हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन इज़ टू नो अबाउट द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आइडेंटिफाई द पावर स्टेशन एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द वार्निंग साइंस एंड सम प्रिकॉशंस इन द इलेक्ट्रिसिटी। कि एक स्टूडेंट जो है या तालिबे इल्म इस चीज़ के बारे में अवेयर हो सके, जान सके कि हम बिजली को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, हम बिजली किस सोर्स से हमारे घरों तक पहुँचती है और उनसे रिलेटेड हिफाजती तदाबीर और वार्निंग साइंस क्या हैं। सो लेट स्टार्ट। Just think back, थोड़ा पीछे की तरफ सोचिए। How does electricity help us in our daily lives? कि electricity जो है वो हमें daily basis पे किस तरह मदद करती है। Electricity is used to heat and cool our homes, light up rooms, used in machinery। ठीक है, जो electricity है वो हमें जो है वो गर्मी और ठंडक मुहैया करती है हमारे घरों में और हमारे कमरों को रोशनी देती है। Read and share, those are they on whom are blessing and mercy from their Lord and those are the followers of the right course. के अल्लाह ताला की नेमतें उन लोगों के लिए हैं जो उसके सीधे रास्ते पर चलते हैं। So we should start our lesson. We use electricity in our everyday lives to heat and cool our homes, light up rooms, cook food and do so many other things. कि हम जो है बिजली अपने रोज़ाना के बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे घरों को ठंडा और गर्म करना, कमरों में रोशनी देना, खाना बनाना और बहुत सी चीज़ें इससे की जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स अप। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये आपकी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। द कंप्यूटर यू प्ले ऑन गेम्स, जो आप कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं वो भी बिजली के साथ चलता है। टेलीविजन यू वॉच, जो टीवी आप देखते हैं वो भी बिजली से चलता है। द फ्रिज दैट कूल्स योर फूड, बल्ब्स टू लाइट अप अ रूम, फ्रिज जो खाना ठंडा करता है और बल्ब जो आपको लाइट देता है। हर चीज़ आपके घर में इस्तेमाल होने वाली जो है वो बिजली से चलती है। Electricity also powers fans, washing machines, vacuum cleaners, blenders and other many things you can see in your home also do work with electricity. आपके घर में चलने वाला बिजली का पंखा, washing machines, vacuum cleaner या blender सब बिजली से चलते हैं। आपने घर में काम करना है, can you think that of other things powered by electricity? आपने इस क्वेश्चन का आंसर खुद घर में राइट करना है, कि देखना है कि आपके घर में और कौन सी चीज़ें हैं जो बिजली के साथ चलती हैं। Then next, power stations. Power stations is produced in power stations. Electricity जो है is produced, हमारी जो electricity है वो हमारे power stations के अंदर बनती है। From power stations, electricity is supplied to our homes through wires attached to poles. Poles means ये खम्बे, मतलब कि हमारी जो बिजली है वो power station से हम तक पहुँचती है लेकिन इन खम्बों के ज़रिए। To make an electric appliance work, we have to plug it in a socket. जब हम किसी भी अप्लाइंस को या किसी चीज़ को कारामत बनाना चाह रहे हैं कि वो बिजली से चले, हमें उसके स्विच को उसकी सॉकेट में लगाते हैं। देन सॉकेट इज़ अवेलेबल, देन सॉकेट फ्लोज इलेक्ट्रिसिटी टू योर अप्लाइंस और फिर जो सॉकेट है उधर से बिजली आपके उसकी अप्लाइंस में चले जाती है। देन वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारी लाइट, हीट और साउंड प्रोड्यूस कर सकें। जैसे अ हीटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू हीट, कि जो आपके इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं वो वहाँ से आपको हीट मिलेगी। स्पीकर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू साउंड, आपके जो स्पीकर हैं वहाँ से आपको आवाज़ सुनेगी। एंड बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, और बल्ब जो है वो आपकी बिजली को आपकी रोशनी में तब्दील कर देगा। नेक्स्ट, देयर आर सम इलेक्ट्रिक सेफ्टीज़ लाइक नेवर टर्न ऑन लाइट और एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स। गीले हाथों के साथ कभी भी बल्ब, किसी भी लाइट को या इलेक्ट्रिक अप्लायंस को मत चलाएं। नेवर टच लाइव इलेक्ट्रिकल वायर्स, अपनी इलेक्ट्रिक तारों को, बिजली की तारों को हाथ मत लगाएं। एज अ ग्रोन अप फॉर हेल्प
यू विल नीड टू यूज़ समथिंग दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी. आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आपको कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी जो आप बिजली से इस्तेमाल शुदा हो और आप उसको इस्तेमाल करें. कीप ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फार अवे फ्रॉम वाटर. अपनी तमाम बिजली की चीज़ों को पानी से दूर रखें. लुक आउट ऑफ पावर लाइन्स बिफोर यू क्लाइंब अ ट्री. जब भी आप किसी दरख्त पर चढ़ें तो वहाँ पर बिजली की तारों से बच कर रहें. देर आर सम प्रिकॉशनरी साइंस लाइक प्रिकॉशनरी साइन, हाई वोल्टेज साइन एंड इलेक्ट्रिक शॉक रिस्क साइन. नेक्स्ट, डू यू नो थॉमस एडिसन वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879. एक फर्स्ट थॉमस एडिसन थे जो अमेरिका से थे. उन्होंने पहली दफ़ा 1879 में एक बिजली का बल्ब बनाया था. सो स्टूडेंट्स, आपने पेज नंबर 81 से लेके पेज नंबर 82 तक कंप्लीट रीडिंग करनी है और उसके बाद इसकी एक्टिविटीज सॉल्व करनी है. योर नेक्स्ट एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 83, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट यूज इलेक्ट्रिसिटी इन ईच सेक्शन ऑफ द हाउस बिलो. आपके पास हाउस में से कुछ चीज़ें हैं जहाँ बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनके नाम लिखने हैं. बेडरूम, बल्ब, एसी, फैन, बाथरूम, गीजर, बल्ब, इलेक्ट्रिक क्लीनर, किचन, ब्लेंडर, अवन, स्टोव, लाउंज, टीवी, हीटर, ट्यूबलाइट. पेज नंबर 84, एक्टिविटी नंबर बी, राइट ट्रू और फॉल्स. वी यूज इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एवरीडे लाइव्स. ट्रू. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स द फ्रिज दैट कूल्स योर फूड. ट्रू. Electricity comes from power stations. True. An electric bulb convert electricity into sound. Cross. We should touch an electric appliance with wet hands. Cross. Next activity number C. Draw and label some electric warning signs. This is precautionary sign and electric risk sign. Unit number 16. Question answers. क्वेश्चन नंबर 1, नेम सम थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स दैट वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी. आंसर, फैन, आयरन, बल्ब, ईटीसी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी नीड टू प्लग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इनटू अ सॉकेट. आंसर इज टू मेक एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 3, नेम सम थिंग्स दैट वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू हीट अप, लाइट अप and make sound. Heater for heat, bulb for light, speaker for sound. Question number 4, how can we avoid getting an electric shock? Never touch live electric wires. Never turn on a light with wet hands. Lesson number 16 is completed here. Take care. Allah Hafiz.